आगे बढ़ना चाहिए। तो इस चीज के लिए मैं हमारी गुरु माँ जो है, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस चीज के जानकारी में हूँ, उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी। मिसेज नैना कालिया, प्लीज वेलकम। आज हम सब खड़े रहेंगे, जब हमारे घर में दिया होता है हम खड़े रहते हैं, तो इस चीज के लिए हम यहाँ पे उनके साथ में खड़े रहेंगे। गणपति बाप्पा, अब मैं नैना जी से चाहूंगी कि प्लीज अपना 2 मिनट हमारे साथ शेयर करें और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस, अपने बारे में कुछ भी हमें शेयर करें। थैंक यू सो मच शिल्पा, इट वाज अ ग्रेट इवनिंग। वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। हम दिया क्यों जलाते हैं? क्योंकि दिया सूर्य का प्रतीक है। सूरज होता है वो हमें रोशनी देता है, लेकिन जब सूर्य नहीं होता तो दिया जला के हम रोशनी करते हैं, तो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है, इसीलिए हम दिया जलाते हैं। और हम प्रार्थना क्यों करते हैं, या कि हम प्रार्थना में हमेशा क्या प्रे करते हैं? हमेशा हम प्रे करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो खुश रहे, हमारी फैमिली खुश रहे, हमारे आसपास खुशियां हो, राइट? तो पहली तो चीज हम हैप्पीनेस के लिए प्रे करते हैं। सेकंड चीज हम क्या प्रे करते हैं, हम हेल्थ के लिए प्रे करते हैं कि मेरी सेहत अच्छी हो। हमारे घर में अगर हमारे मम्मी पापा है, बुजुर्ग है, तो उनकी सेहत ठीक हो, तो हम हेल्थ के लिए प्रे करते हैं। और तीसरी चीज, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना, लेकिन हेल्थ के लिए भी वेल्थ चाहिए। हम सबके बहुत सारे सपने हैं, वी ऑल हैव ड्रीम्स, तो वो पूरे करने के लिए भी हमें वेल्थ चाहिए। तो मोस्टली हम ये 3 चीज के लिए प्रे करते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कुछ साल पहले मुझे भी एक हेल्थ चैलेंज आया। And that time I used to always pray to God कि मुझे अच्छी सेहत दीजिए, give me good health। और जैसे कहते हैं ना कि hospitals और doctor के चक्कर ना काटने पड़े तो ही अच्छा है, because we all know कि कितना सारा wealth और खर्चा हो जाता है। तो I used to also pray to God कि हमें wealth भी दीजिए ताकि health maintain हो सके। और because मैं बीमार थी, I was having a health challenge, that time was really very painful, and इस वजह से मेरे घर के जो नजदीक के लोग थे वो भी खुश नहीं थे क्योंकि मैं ठीक नहीं थी। तो I used to also pray कि घर पे खुशियां दीजिए। तो यही मैं प्रे करती थी भगवान से हमेशा। तो भगवान हमारी प्रेयर सुनता है, लेकिन क्या पॉसिबल है कि भगवान खुद हमारे पास आए? नहीं, हम सब प्रे करते हैं और भगवान तो एक ही है। तो भगवान क्या करते हैं, किसी को भेजते हैं हमारी हेल्प करने के लिए, या कोई मीडियम होता है जिससे वो हमारी हेल्प करना चाहते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आइडेंटिफाई करो कि वो हेल्प किसने भेजी है और क्यों भेजी है। तो दैट टाइम मेरे लाइफ में भी कैंडल मशीन आई। वन ऑफ अवर वेल विशर फ्रेंड जो थे, उन्होंने मुझे बताया कि वाई डोंट यू ब्रिंग दिस वॉटर, इट विल हेल्प यू। तो उनपे मैंने ट्रस्ट किया, और जो भगवान ने मुझे भेजा था एक गिफ्ट, उसे मैंने अपनाया। लेकिन कहते हैं ना, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। तो तभी कैंडल मशीन इंडिया में नहीं थी, तो मैं ऑल द वे मलेशिया गई, वहां से मेरी मशीन लेकर आई। तो एंड टूडे आई एम वेरी प्राउड दैट आई कैन से कैंगन मशीन ने मुझे हेल्प दी, क्योंकि टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट एनी मेडिकेशन, जीरो मेडिकेशन, नो सर्जरी, जो मुझे डॉक्टर्स ने कहा था।
सो हेल्प मिली और हेल्थ के बारे में मैंने सबको बताया. आई वॉज जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस और शेयर करने की वजह से मुझे वेल्थ मिली. हेल्थ मिली, वेल्थ मिली, फैमिली खुश तो खुशियां भी मिली. सो आई गॉट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस थ्रू कैंडल मशीन. अभी यहाँ पे जो भी आज गेस्ट प्रेजेंट है, किसके घर में कैंडल मशीन है, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट देम टू स्टैंड अप. जहां पे भी हो वहां पे खड़े हो जाइए. जिनके पास ये कैंडल मशीन है, हाँ दो है तो चेयर पे चल जाएंगे. सो लेट मी टेल यू, ओके विनोद जी कह रहे हैं उनके पास तीन है, वैसे हमारे पास भी है तीन. सो लेट मी टेल यू दैट वी ऑल आर द ब्लेस्ड वंस. क्योंकि कहते हैं ना कि कैंडल मशीन सिर्फ कहते हैं जो खुश नसीब होते हैं उनके घर में कैंडल मशीन आती है. सो वी ऑल आर द ब्लेस्ड वंस, राइट. सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आई विल जस्ट रिक्वेस्ट एवरी वन टू से दिस थ्री टाइम्स जो हमारा कैंडल का स्लोगन है. ऑन द काउंट ऑफ थ्री, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ. Change your water, change your life. 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 Believe me, friends, this is a wonderful opportunity and this can be a life-changing day for you. So, आज जो भी information आपके साथ शेयर होगी, खुले दिल से with an open mind, just listen to that. And I hope you also bring this kind of machine at your home very soon. Thank you so much.